हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कॉमर्स मेथडोलॉजी जो बीएड का एक सब्जेक्ट है उसका नेचर एंड स्कोप के बारे में जानेंगे। कॉमर्स क्या, उसका डेफिनेशन, उसका नेचर क्या है और उसका स्कोप क्या है। तो कॉमर्स क्या है? कॉमर्स एक विषय है जो कि उत्पादन की वह शाखा है जो किससे डील करता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उत्पादन की वह सारी एक्टिविटीज के साथ डील करता है जो कि वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान और उनके अंतिम उपभोक्ता, मतलब उत्पादक से वस्तुओं को लेकर उनके अंतिम उपभोक्ता, जैसे हम आप जिस चीज को उपभोग करते हैं तो वो हमें कैसे मिलता है, तो ये कॉमर्स के जरिए ही मिलता है। कॉमर्स ही वह शाखा है जो कि वस्तुओं का आदान प्रदान करता है। ये सारी एक्टिविटीज जो होती हैं, जो उत्पादक जो वस्तु का उत्पादन करता है उससे हम तक जो वस्तुएं पहुंचती हैं, उनके बीच में जो भी सर्विसेज होते हैं, गुड और सेवा के हस्तांतरण का, ट्रांसफर का, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू फाइनल कंज्यूमर होता है, ये कॉमर्स के जरिए होता है। तो कॉमर्स में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, उन सभी एक्टिविटीज के जरिए हमारे तक कोई भी वस्तु प्रोड्यूसर से हम तक पहुंचती है। तो जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका आवंटन इस तरह से किया जाता है, जो उपलब्ध संसाधन है इस तरह से किया जाता है कि जिससे हमें इष्टतम, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो गुड्स और सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और उन्हें फिर उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, कंज्यूमर तक पहुंचाना ही सभी आर्थिक क्रियाओं का एसेंस है, मतलब सार है। सारी आर्थिक गतिविधियां इसी पर आधारित होती हैं कि वस्तुओं का उत्पादन हो और उन्हें फिर अंतिम जो उपभोक्ता है, जिन्हें उनको उपभोग करना है, उन तक पहुंचे। तो ये गुड्स और सर्विसेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है, वो वाणिज्य के द्वारा ही सुगम बनाया जाता है। इसलिए वाणिज्य में वो सारी गतिविधियां होती हैं जो वस्तुओं के उत्पादन और वितरण से संबंधित है, ताकि वो खेत से या जहां उत्पादन हो रहा है, फैक्ट्री से वस्तुएं जो भी बन रही हैं वो हम कंज्यूमर तक पहुंच सके। तो कॉमर्स क्या है? कॉमर्स इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोज प्रोसेसेस, उन सारी गतिविधियों का योग है विच आर एंगेज इन रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ पर्संस, प्लेस, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस जो हुआ, और एंड टाइम, वेयर हाउसिंग एंड एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि पर्संस, रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ पर्संस का क्या मतलब हुआ, जो कि व्यापार में व्यक्तियों के द्वारा जो बाधा है उसको दूर करने में जो लगा है वो कॉमर्स है, मतलब कोई कहीं पर कोई रुकावट ना हो। ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस के द्वारा सामान सही जगह पर पहुंच पाए। टाइम तक मतलब है कि वस्तुओं का को सुरक्षित भी रखा जाए, बहुत समय तक उसे सुरक्षित रखने के लिए वेयर हाउस या भंडारण की भी व्यवस्था की जाए, और बैंकिंग जो वस्तु के लेन देन में मदद करे। तो इन सब क्षेत्रों में, जो बैंकिंग का क्षेत्र हुआ, जो वेयर हाउसिंग हुआ, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, इसमें जो भी बाधा आ रही है उन सबको दूर करने में जो कार्रिया होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसे कॉमर्स कहा जाता है। तो कॉमर्स उन सभी प्रक्रियाओं का योग है। तो कॉमर्स तो यहाँ वाणिज्य के रूप में हुआ और इस वाणिज्य को हम एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, तो हमें यहाँ पर यह जानना है कि वाणिज्य किन किन क्रियाओं का योग है। तो उसमें कौन कौन सी, ट्रेड आया, ट्रांसपोर्ट आया, इंश्योरेंस आया, वेयर हाउसिंग, एक्सचेंज, बैंकिंग, तो ये सारी चीजें क्या हुई, कॉमर्स का स्कोप, मतलब कॉमर्स के क्षेत्र में आ गया ये सब, है ना, स्कोप में आ गया। क्या क्या चीज आ गया? ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस जिसे हम बीमा कहते हैं, फिर वेयर हाउसिंग, भंडारण जहाँ पर उत्पादन, अधिक उत्पादन की वस्तुओं को रखा जाता है, और बैंकिंग, यहाँ वस्तुओं का लेन देन मुद्रा के माध्यम से होता है, तो वहाँ बैंकिंग।
तो ये मोटिवेटिंग फोर्स किसी काम को करने के लिए क्यों, कोई काम किसी भी कार्य को कोई क्यों करता है, इसलिए करता है क्योंकि वो ह्यूमन वांट्स को, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और ये बढ़ती चली जाती है, असीमित है, मनुष्य की इच्छाएं असीमित हैं और ये लगातार बढ़ती ही जाती हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो संसाधन है वो कम है, लिमिटेड है, इसलिए दुर्लभ संसाधन जो भी हैं, संसाधन कम है और आवश्यकताएं बहुत हैं, तो इन संसाधनों का जो प्रयोग है उनका जुडिशियस प्रयोग करना है, सही ढंग से प्रयोग करना है ताकि ये स्केयर्स रिसोर्सेज बर्बाद ना हो और ये ह्यूमन वांट्स को पूरा करने में सक्षम हो। तो इसके लिए एक कॉमर्स ये सारी एक्टिविटीज को रेफर करता है जो कि किस चीज के लिए आवश्यक है कि गुड्स और सर्विसेज को। कॉमर्स का काम इकोनॉमिक दुर्लभ साधनों का सही उपयोग में मदद करता है और इकोनॉमिक्स कॉमर्स का ही एक हिस्सा है और कॉमर्स इन सारी प्रक्रियाओं और गतिविधियों को संदर्भित करता है या बताता है जो गुड्स और सर्विसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, मतलब ओरिजिन जहाँ पर उनका उत्पादन हुआ, उत्पादन से लेकर, उत्पादन के स्थान से लेकर उपभोग के स्थान तक पहुँचाना। ये तो इस बीच में जितनी गतिविधियाँ हैं वो सभी गतिविधियाँ कॉमर्स की गतिविधियाँ होती हैं। तो एवलिन थॉमस ने इसको डिफाइन किया है कि कॉमर्शियल ऑक्यूपेशंस जो व्यवसायिक कार्य हैं वो किस चीज को डील करते हैं, डील विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। यहाँ पर दो एक्टिविटी आ गया, एक बाइंग एक सेलिंग, खरीदना फिर उसको बेचना, द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, वस्तुओं का आदान प्रदान और फिर तैयार उत्पादों के वितरण से। तो यहाँ पर क्या क्या आ गया, एक्टिविटीज बाइंग सेलिंग एक्सचेंज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें कॉमर्स के क्षेत्र में आती हैं, इन सभी गतिविधियों को हम कॉमर्स के तहत पढ़ते हैं। कॉमर्स एक सब्जेक्ट के रूप में किस तरह से डिफाइन किया गया है कि ये क्या है, कॉमर्स किस चीज का अध्ययन है, कॉमर्स ट्रेड का, व्यापार का अध्ययन है और व्यावसायिक गतिविधियों का अध्ययन है जो कि किससे, किसके रूप में, लेखांकन अकाउंटिंग उसका हिसाब किताब होता है, और फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो वित्तीय गतिविधियां हैं जिसमें पैसे का लेन देन होता है, जिसमें बैंकिंग इंश्योरेंस सारी चीजें शामिल होती हैं। तो जो मेजर सब्जेक्ट कॉमर्स में पढ़ाए जाते हैं वो है अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। कॉमर्स एक ऐसा स्ट्रीम है शिक्षा का जो जिसमें हम ट्रेड और बिजनेस एक्टिविटीज को पढ़ते हैं, जिसमें वस्तुओं का विनिमय होता है, सेवाओं का और वस्तुओं का विनिमय होता है, और ये वस्तुओं का विनिमय क्या होता है कि उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक वस्तुओं का और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, मतलब जहाँ उत्पादन हुआ वहाँ से उपभोक्ताओं तक सामान को पहुंचाता है। अब सवाल उठता है कि कॉमर्स का नेचर क्या है, नेचर क्या है का मतलब कि किस तरह का ये सब्जेक्ट है, साइंस है या आर्ट्स है। तो कॉमर्स साइंस है या आर्ट्स है, ये नेचर में हम बताएंगे। तो साइंस क्या है, साइंस सिस्टमैटिक ब्रांच ऑफ नॉलेज होता है जिसमें कि क्या होता है कि कॉज और कार्य कारण संबंध स्थापित किया जाता है, यह सिस्टमैटिक एक व्यवस्थित ज्ञान की एक व्यवस्थित शाखा है जो कार्य और कारण में संबंध स्थापित करता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो निश्चित, इसके उद्देश्य निश्चित होते हैं और ये तथ्यों पर आधारित होता है। तो कॉमर्स भी फैक्ट पर आधारित होता है, कॉमर्स में भी तथ्यों को व्यवस्थित रूप से एकत्रित किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है और वर्गीकरण किया जाता है। तो इस आधार पर कॉमर्स को साइंस कहा जा सकता है, लेकिन यह इसमें सटीकता का अभाव है क्योंकि कॉमर्स के जो नियम है ये यूनिवर्सल नहीं है। जैसे साइंस के नियम होते हैं कि H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलाने से दुनिया के किसी कोने में हम मिलाएंगे तो ये पानी ही बनेगा, वाटर बनेगा, बट ऐसा कोई रूल कॉमर्स में नहीं होता है कि ऐसे हम करेंगे तो ये बिजनेस इतना सक्सेसफुल होगा। क्यों, क्योंकि ये ह्यूमन एफर्ट्स पर होता है, इसमें ह्यूमन का एफर्ट है। तो ह्यूमन एफर्ट हमेशा एक जैसा नहीं होता है, कोई ज़्यादा एफर्ट लगाता है, कोई कम एफर्ट लगाता है, इसलिए ये इसमें फ्यूचर प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते हैं। ये फिजिकल साइंस की तरह इसमें भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं या
टू द पॉइंट हम नहीं बोल सकते, हमारा प्रेडिक्शन इसमें हमेशा सही नहीं होता, इसलिए इस पॉइंट से यहाँ पर हम कॉमर्स को साइंस नहीं कह सकते हैं। जेम्स स्टीफेंस ने कॉमर्स की परिभाषा देते हुए बतलाया है कि कॉमर्स सम टोटल ऑफ प्रोसेस, उन प्रक्रियाओं का योग है जो कि किसमें, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं कि बैंकिंग में, ट्रांसपोर्ट, और ये रिपीट हो गया है, ये रिपीट है, इसको यहाँ अभी हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद हमें देखना है कि कॉमर्स आर्ट्स है या साइंस है। तो अब साइंस नहीं है, साइंस के कुछ लक्षण हैं इसमें, पूरी तरह से साइंस नहीं है। कॉमर्स आर्ट्स के रूप में, आर्ट्स क्या करता है, तो आर्ट्स का ऑब्जेक्टिव है कि वो धारणाओं का निर्माण करता है और जो कि किसी नीति पर लागू होता है, और यह छात्रों को व्यवसायिक ट्रेनिंग भी देता है। इट ह्यूमन वैल्यू, ये कॉमर्स क्या है, आर्ट्स की तरह कुछ धारणाओं का निर्माण करता है जो कि पॉलिसी निर्माण में मदद करता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमर्स लाइक आर्ट्स है ना, तो ये ह्यूमन वैल्यूज को डेवलप करता है, और किस तरह से मनी को संग्रह करना है और उसे किस तरह से इन्वेस्ट करना है, ये सब सिखाता है। तो हम कह सकते हैं कि कॉमर्स दोनों ये आर्ट्स की तरह हमें ये सब सिखाता है, मतलब क्या है कि धारणा का निर्माण करके नीति निर्माण में मदद करता है और स्टूडेंट्स को ट्रेन करता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि कॉमर्स साइंस और आर्ट्स दोनों है, साइंस की तरह ये रूल फॉर्मुलेट करता है, थ्योरीज बनाता है, और आर्ट्स की तरह उनको प्रैक्टिकल शेप देता है। ये ना तो पूरी तरह से साइंस है ना तो पूरी तरह से आर्ट्स, इसमें दोनों के गुण है। अब कॉमर्स का स्कोप पे आते हैं। स्कोप जो है ना कॉमर्स का, वो हमें बताता है कि वाणिज्य का क्या दायरा है। तो मॉडर्न कॉमर्स इतना वाइड हो गया है कि ये सभी एक्टिविटीज, जो कि गुड्स, वस्तुओं के वितरण और से शामिल है, वो सारी एक्टिविटीज जो है वो कॉमर्स के स्कोप में आती हैं, जो वस्तुओं के वितरण में, उत्पादन से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचाने में, वस्तु और सेवाओं के हस्तांतरण में जो भी गतिविधियां हैं, सारी इसमें शामिल हैं। इस कॉमर्स का स्कोप क्या है, जो रोल किसके द्वारा किया जाता है, ट्रेड के द्वारा, व्यापार के द्वारा, ट्रेड के सहायक तत्वों के द्वारा, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, सारी चीज़ें आती हैं, ये कॉमर्स के स्कोप को बड़ा करती हैं, इसके दायरा को बढ़ाती हैं। तो हम देखते हैं इसके स्कोप में सारी चीज़ें आएंगी, बहुत इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो ट्रेड और कॉमर्स क्या है, एक सिनोनिमस वर्ड, एक पर्यायवाची शब्द के रूप में लोग करते हैं कि वाणिज्य और व्यापार को एक तरह का। तो ट्रेड क्या है, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स, व्यापार में सामान खरीदना और बेचना होता है, और वाणिज्य का अर्थ व्यापक है। वाणिज्य में क्या होता है, ट्रेड और ट्रेड के सहायक तत्व तो भी शामिल हैं, व्यापार में जो सहायक होते हैं। तो व्यापार में सहायक क्या क्या होता है, सारी चीज़ें होती हैं व्यापार में सहायक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो इसमें क्या है कि ट्रेड में, ट्रेड के अलावा वाणिज्य कॉमर्स में सारी एक्टिविटीज जो कि ट्रेड के विस्तार में शामिल होती हैं, उन्हें हम एड्स ऑफ ट्रेड कहते हैं। इसमें ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट, सेल्समैनशिप, तो ये सारी चीज़ें कॉमर्स में भी के स्कोप में भी आती हैं। तो डिवीज़न ऑफ कॉमर्स क्या है, दो ब्रांच में है, ट्रेड है और ट्रेड के लिए सहायक, व्यापार के लिए सहायक जो गतिविधियां या जो सहायक हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। ट्रेड क्या है, ट्रेड वह प्रोसेस है जिसमें वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। और इन बाइंग और सेलिंग क्यों होता है, तो प्रॉफिट मोटिव, इससे प्रॉफिट प्राप्त करता है, लाभ प्राप्त करने के इरादा से वस्तुओं की खरीद और बिक्री की प्रक्रिया को ट्रेड कहा जाता है। एक जो व्यक्ति ट्रेडिंग एक्टिविटीज में, व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न होता है, उसे व्यापारी कहते हैं। ट्रेड को दो भागों में बांटा गया है, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, मतलब गृह व्यापार और विदेशी व्यापार। तो गृह व्यापार में क्या होता है कि यहाँ बाइंग और सेलिंग जो होता है गुड का,
वो देश के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का जो खरीद बिक्री होता है उसे होम ट्रेड कहते हैं। होम ट्रेड दो हिस्सों में बांटा गया है, रिटेल ट्रेड और होलसेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड क्या होता है, यहाँ पर वस्तुओं की खरीदारी क्या हो फ्रॉम प्रोड्यूसर से खरीद कर या होलसेलर से खरीद कर उन्हें फाइनल कंज्यूमर या उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। रिटेलर कौन व्यक्ति होता है जो कि वस्तुएं स्मॉल क्वांटिटी में खरीदता है होलसेलर या प्रोड्यूसर से और उसको फिर अंतिम उपभोक्ता को बेचता है। जो आपके मोहल्ले में जो दुकान होते हैं ग्रॉसरी शॉप वाले, वो रिटेलर होते हैं, वो होलसेलर या प्रोड्यूसर से खरीद कर लाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। फिर आता है होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है, इसमें गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी लार्ज क्वांटिटी में खरीदी जाती है और वो उत्पादकों से या निर्माता से खरीदा जाता है और कम दाम में खरीद कर उसे अधिक दाम पर बेचा जाता है। तो होलसेलर क्या है कि वह होलसेलर वह ट्रेडर होता है जो कि लार्ज अमाउंट में वस्तुओं को खरीदता है प्रोड्यूसर से और उसको फिर थोड़ा कम क्वांटिटी में रिटेलर्स को बेचता है या सीधे उपभोक्ताओं को बेचता है। दूसरा होता है इंटरनेशनल ट्रेड या विदेशी व्यापार। इंटरनेशनल ट्रेड यह ट्रेड होता है जो एक देश से दूसरे देशों के साथ होता है एक देश का। यहाँ भी वस्तुओं का और सर्विसेज का नेशनल बॉर्डर के बाहर वस्तुओं का और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। जैसे गुड्स और सर्विसेज भारत और इंग्लैंड के बीच में अगर लेन देन किया जाता है तो इसे इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। यह दो तरह का होता है, एक्सपोर्ट ट्रेड और इम्पोर्ट ट्रेड, निर्यात व्यापार और आयात व्यापार। निर्यात व्यापार अब हम देखेंगे कि निर्यात व्यापार क्या होता है, आयात व्यापार क्या होता है। तो निर्यात व्यापार क्या होता है कि जब अपने देश की वस्तु और सामान को हम दूसरे देश को बेचते हैं, जैसे भारत है तो इंग्लैंड को बेच रहा है, तंजानिया यहाँ उदाहरण है, तंजानिया गोल्ड टू अपना सोना वियतनाम को बेच रहा है तो इसे एक्सपोर्ट कहेगा। कि कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, तंजानिया एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत जैसे हम बेचें दूसरे देश को तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। इम्पोर्ट ट्रेड क्या होता है, जब हम दूसरे देश की वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं, जैसे कि हम मोबाइल फोन कोरिया से खरीद रहे हैं या कोरिया से खरीद रहा है, तो तंजानिया कोरिया से खरीद रहा है या इंडिया ही खरीद रहा है, इसको इंडिया ही कर दीजिए समझने के लिए। तो ये होगा कि हमें फिर उसे पेमेंट करना होगा, तो ये इम्पोर्ट ट्रेड। एड्स टू ट्रेड, अब व्यापार में सहायक, व्यापार के लिए सहायक क्या होते हैं, तो एड्स टू ट्रेड वो सारी एक्टिविटी होती हैं जो ट्रेड में सहायता करती हैं, व्यापार को सुगम बनाती हैं। एड्स टू ट्रेड में क्या है कि ये इससे व्यापार करना में कम कठिनाई होती है और इसमें आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सूचनाओं का संचरण या आदान प्रदान, इसके लिए टेलीफोन एक्सचेंज या इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। और सामान भी जैसे आयात निर्यात करना है तो एक जगह से दूसरी जगह सूचना भेजी जाती है। दूसरा कौन सहायक होता है ट्रेड में, तो ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। इसका क्या है कि भौतिक वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसके लिए रेल, रोड, वायु और जल परिवहन सबकी मदद ली जाती है और इससे वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है ताकि सबों को सभी वस्तुएं आसानी से मिल सके। फिर वेयर हाउसिंग क्या है, भंडारण जिसको कहते हैं, ये स्टोरिंग ऑफ गुड्स कहते हैं, जहाँ सम वस्तुओं को संग्रह किया जाता है, जिसमें कि कुछ कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिससे जो जल्दी खराब होती हैं तो उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है ताकि जब सीजन खत्म हो तो उन चीजों को फिर वहां से लाकर बेचा जा सके। फिर है इंश्योरेंस, यह है क्या है कि ये है कि छोटी रकम का योगदान करके अपने सामान को जोखिम से बचाना, मतलब किसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन में या कोई इंश्योरेंस में क्या है कि व्यापार कर भेज रहे हैं तो सामान को इंश्योर कर देने से अगर उसमें कोई क्षति होती है तो उस इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस को सफर करती है या उसको पैसे देती है। तो इसमें किसी भी तरह का खतरा हो सकता है, चोरी, डकैती, आग लगने का, बाढ़, एक्सीडेंट, किसी वजह से अगर वस्तुओं का नुकसान होता है तो बीमा कंपनी उसकी क्षतिपूर्ति करती है।
बैंकिंग बैंकिंग ट्रेड को फाइनेंस करने में मदद करता है, और ये ट्रेडर्स को या व्यापारियों को पैसे सुरक्षित स्थान में रखने में सहायक होती है, और इसके अलावा उन्हें लोन भी देती है। फिर है एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन भी क्या होता है कि विज्ञापन के द्वारा ये कंज्यूमर्स को पता चलता है कि बाजार में कौन कौन सी वस्तुएं हैं और कौन सी सेवाएं हैं उपलब्ध हैं, उनका क्या उपयोग है, तो इससे ये लोग उस वस्तु के प्रति अपनी जानकारी इकट्ठा करके उसे खरीद सकते हैं। इसके लिए न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन, बैनर, सिनेमा, इंटरनेट के जरिए और आजकल तो जितने भी ऐप चल रहे हैं सब पर ऐड आने लगा है, तो ये ऐड से वस्तुओं का व्यापार होता है। फिर यहाँ नेचर को समझने के लिए कुछ और एक्टिविटीज दिया गया है। ऐसे नेचर में हम लोग हमेशा वाणिज्य का नेचर जब जानना होता है तो हमें यही बताना होता है कि वो साइंस है कि आर्ट्स, इसलिए ये प्रकृति का यहाँ पर ये नहीं होगा। तो कॉमर्स को क्या कहा जाता है कि यह एक तरह का बिजनेस है, और यह व्यवसाय की गतिविधि है जो वस्तु के आदान प्रदान से संबंधित है, इसलिए इसको लोग एक जैसे शब्द भी समझते हैं। तो अब वाणिज्य को समझने के लिए कुछ, इसके नेचर को समझने के लिए कुछ हम शब्दों को देखते हैं। इसमें क्या है कि कॉमर्स में वस्तुओं का लेन देन होता है, और एक मतलब माल की खरीदारी होती है, फिर उन्हें बेचा जाता है, और इसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। और दूसरा है कि अर्निंग मोटिव, मतलब जो भी ट्रेड एक्टिविटी होता है उसका उस मकसद होता है प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट क्या है? इंसेंटिव है या रिवार्ड है, जिस जो कॉमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए, व्यापारिक गतिविधि के लिए दिया जाता है। फिर आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? जो आर्थिक क्रिया, वही क्रिया आर्थिक होती है जिसमें पैसे होते हैं, जिसमें धन लाभ होता है। तो कॉमर्स उन सारी एक्टिविटीज को डील करता है जो कि प्रॉफिट मोटिव से किए जाते हैं, इसलिए कॉमर्स में केवल आर्थिक क्रियाएं ही इंक्लूड होती हैं। इसमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी शामिल नहीं होती हैं। कुछ एक्टिविटी इकोनॉमिक होती हैं, कुछ नॉन इकोनॉमिक। जैसे अगर कोई ट्रेडर गुड्स वस्तुओं को खरीदता है और उनको फिर बेचकर प्रॉफिट कमाता है, और कंज्यूमर गुड अगर ट्रेडर खरीदा और उसको फिर बेचा, उससे उसको प्रॉफिट मिला, तो वो उसकी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। और हम लोग कंज्यूमर हैं जो वस्तुओं को खरीदे और अपना कंज्यूम कर लिए, उसका उपभोग कर लिए, तो हमारी एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। तो पहला केस में क्या है, प्रॉफिट मेक कर रहे हैं और हम जब उसको खरीद रहे हैं अपने उपभोग के लिए, तो यहाँ प्रॉफिट नहीं है। तो ट्रेडर के लिए जो क्या हुआ, गुड्स और सर्विसेज खरीदना इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, और हमारे लिए ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। तो इसलिए ये कॉमर्स इसका अध्ययन नहीं करेगा। कॉमर्स किसका अध्ययन करेगा? ट्रेडर की एक्टिविटी का अध्ययन करेगा, क्योंकि वो उससे प्रॉफिट कमा रहा है, और जो कंज्यूमर की एक्टिविटी है वो कॉमर्स के क्षेत्र में नहीं आता है, कॉमर्स के दायरे से बाहर आता है। फिर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कॉमर्स किसी भी जगह पर स्थान और समय की उपयोगिता उत्पन्न करता है। तो गुड्स अगर उत्पादन के स्थान पर नहीं उपभोग किया जा सकता है, सभी वस्तु जहाँ उत्पादन हो रहा है वहीं तो उपभोग नहीं होगा, इसलिए उसको अलग-अलग जगह पर पहुंचाना होता है। तो ये वस्तुओं को अलग-अलग जगह पर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की मदद ली जाती है, और इससे क्या होता है कि वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि होती है ट्रांसपोर्टेशन से। तो इसलिए अलग अलग समय पर अलग अलग वस्तुओं की जरूरत होती है, तो ये वाणिज्य के द्वारा उपयोगिता का निर्माण होता है। फिर रेगुलरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन रेगुलर होना चाहिए, मतलब क्या है कि कोई भी अलग लेन देन वाणिज्य का हिस्सा नहीं होता है। मतलब सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर रिप्लेसिंग इट न्यू इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉमर्स, लेकिन फर्नीचर का सेल, फर्नीचर ट्रेडर अगर बेच रहा है तो वो वाणिज्य है, लेकिन पुराना फर्नीचर से नया फर्नीचर बदलना वाणिज्य का हिस्सा नहीं है। मतलब क्या है कि जहाँ ट्रांजेक्शन हो रहा है, जहाँ फायदा हो रहा है, उसे हम वाणिज्य का हिस्सा मानते हैं। इस तरह से हमने देखा कि वाणिज्य क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है। तो कॉमर्स क्या है?
एजुकेशन हमें क्या प्रोवाइड करता है, किस चीज का ज्ञान प्रदान करता है? शिक्षा व्यापार का गहन ज्ञान प्रदान करता है, ठीक है। और व्यापार में सहायता के साथ साथ लोगों के व्यवसाय में भी विभिन्न कार्य क्षेत्र में काम करने के लिए प्रशिक्षित भी करता है। इसलिए वाणिज्य को, व्यापार और उद्योग को बढ़ाना, कॉमर्स को बढ़ावा देने में, राष्ट्रीय विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए कॉमर्स की शिक्षा जो है, ये भारतीय हायर एजुकेशन शिक्षा का ओल्डेस्ट ब्रांच है और ये बहुत सारे स्ट्रीम का, एजुकेशन के स्ट्रीम जैसे मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, टैक्सेस एंड फाइनेंस, मार्केटिंग, बिजनेस लॉ इन इंडिया, ये सब चीज का आधार माना जाता है कॉमर्स, इतनी सारी शिक्षा के स्ट्रीम्स का है। लेकिन आज के दिन में कॉमर्स एजुकेशन को बहुत सारे नए स्ट्रीम्स, ये अलग अलग स्ट्रीम बन गए, तो इनसे इनको कंपटीशन भी फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि ये शिक्षा जो है सो ये व्यवहारिक प्रैक्टिकल बेस्ड स्किल को पढ़ा रही हैं। तो इसलिए प्रेजेंट सिनेरियो में ग्लोबलाइजेशन के समय और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के कारण कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस जो आ रहा है उसमें, और एजुकेशन सिस्टम भी बदल रहा है, इसमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीयकरण के इस युग में वाणिज्य शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली और प्रथाओं को बदलने की आवश्यकता है, ताकि ये कॉमर्स जो है ना वो वर्ल्ड लेवल का या ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को फेस कर सके। मतलब आज के चेंजिंग सिनेरियो में कॉमर्स को और एडवांस करने की ज़रूरत है, क्योंकि कॉमर्स में सहायक जो जो ब्रांचेस थे अब सब इंडिपेंडेंट ब्रांच होते जा रहे हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।